Hi guys, how are you? Welcome back in another video. You are watching Make Your Munfarid. My name is Abdullah, and today's topic is how to meditate for beginners. Because I am a beginner, I never do meditation before. So today I have do first time. आज मैंने पहली बार मेडिटेशन किया एंड इट वॉज ऑसम. तो आई फील कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए उन सभी बिगनर्स के लिए जो मेडिटेशन करने की सोचते हैं बट कर नहीं पाते. और बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है हमारे जहन में कि भाई मेडिटेशन के लिए ये चाहिए, वो चाहिए और पता नहीं क्या क्या चाहिए. और हम इस इंतज़ार में रहते हैं कब वो सारी चीज़ें होंगी, कब सुबह में हम जल्दी उठेंगे, कब हम अर्ली मॉर्निंग पार्क में जाएंगे और एक कारपेट पे बैठेंगे और चारों तरफ घास होगी और ऐसा होगा कुछ. ऐसे सबके जहन में होता है, मेरे भी जहन में था, बट दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. मेडिटेशन के लिए ज़रूरी है कि आप अर्ली मॉर्निंग उठें, आप पार्क में जाएं, या आपको एक बहुत ही ज़्यादा सेपरेट जगह चाहिए. हाँ, सेपरेट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ना हो, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस ना हो. ज़रूरी है कि आप अपने आप को दूसरे सेपरेट कर लें, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि बस अर्ली मॉर्निंग या मेडिटेशन कर सकते हैं. यू कैन डू मेडिटेशन एनी टाइम एनी वेयर, बस ये है कि आप कंफर्टेबल होने चाहिए. तो आज मैं इसे ट्राई कर रहा था, मैं ऐसे बैठा हुआ था और मैंने कोशिश किया कि यार कुछ देर स्टिल होके बैठता हूँ, स्थिर होके एक ही पोजिशन में. हम बैठ नहीं पाते. तो मैं एक वीडियो सुन रहा था और मैंने साइड में रख दिया और आई एम जस्ट ले डाउन ऑन माई बेड. और मुझसे लेटा नहीं गया, मैं कभी पैर बदल रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ. तो उसके बाद मैंने वीडियो को बंद किया, साइड में रखा और फ़ोन में स्टॉप वॉच लगाई और मेजर किया कि मैं कब तक स्थिर बैठ सकता हूँ, कब तक बिना हिले मैं ऐसे सीधा लेट सकता हूँ आंखें बंद करके. और यू कांट बिलीव कि मैं आधे घंटे तक उसी पोजीशन में रहा बिना आंखें खोले. एंड एक्सपीरियंस वॉज ऑसम ऑसम एंड सुपर, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता. तो हमें ऐसा होता है कि यार हमें अपने माइंड को एक फोकस पे लाना है, पहले ब्रीदिंग पे हमें काम करना है, पहले आप ब्रीथ पे ऐसे गौर करें और तभी आप मेडिटेशन करते हैं. नहीं, बिगिनर्स के लिए यू कैन डू, कहीं से भी आप शुरू कर सकते हो. ज़रूरी नहीं कि आपके माइंड में एकदम थॉटलेस कोई नहीं हो सकता, इट इज़ पॉसिबल. मेडिटेशन के लिए आप थॉटलेस एकदम से नहीं हो सकते, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, सालों लग जाते हैं. और इट डिपेंड्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि आप कितने दिन में प्रॉपर मेडिटेशन कर पाते हैं. तो ज़रूरी नहीं आपके जहन में ख्याल आएंगे, वो आते रहते हैं, उन्हें आप एकदम से कंट्रोल नहीं कर सकते. सो द फर्स्ट रूल इज़ जस्ट डू विद द फ्लो, होने दीजिए, जो भी ख्याल आ रहा आने दीजिए. बस कोशिश ये कीजिए कि आप हिले ना. सबसे पहले अपनी पोजीशन पे काम करना है, आपकी पोजीशन चेंज ना होनी चाहिए. और हल्के हल्के आप पोजीशन में जब कंफर्टेबल हो जाएंगे, आप एक जगह बैठ पाएंगे, एक ही पोजीशन में रह पाएंगे, तो हो सकता है स्टेप बाय स्टेप आप बाकी मेडिटेट भी सही से कर पाए. सो दिस इज़ अ ओनली एक्सपीरियंस और नॉलेज फ्रॉम माई साइड. अभी देखते हैं इस चीज़ को कंटिन्यूटी करके कि क्या क्या एक्सपीरियंस होते हैं. आई विल शेयर विद यू. सो थैंक्स फॉर नाउ, गुड बाय.